इन्ना बच्चा दी कोई ज्यादा ही है ना जी। नेक्स्ट परफॉर्मेंस मन्नत करोना के स्ट्रैस तो बाद असी सोचा कि कुछ ना कुछ लोगों को करोना तो दूर करने लिए कुछ म्यूजिक का लाइव सिंगिंग का प्रोग्राम किया जाए। फिर साडा कॉन्टैक्ट गुरनीर अकैडमी वाले नाल होया, वो कहिंदे असीं छोटे बच्चे लैके आवांगे, छोटे बच्चे अपनी परफॉर्मेंस देंगे। तो असी जिहड़ा बाहरले देशों का देखा थी कि लोग सैर कर रहे हैं तो नाल म्यूजिक चल रहा है, ये अज असी समाणा च पहली बार फर्स्ट टाइम होया। नहीं देखो लोगों लिए एक बहुत वधिया उपलब्धि हुई है, जिहड़ा समाणा एनवायरमेंट वालों ये पार्क संभालिया, तो हुण असी पिछे जे बिजली का कनैक्शन भी यहाँ करवाता, तो साडा मतलब टारगेट है कि हुण टाइम टू टाइम इहनूं बहुत सोहणा करते जाइए। देखो समाणा वेलफेयर सोसायटी का जो एक सुपना सी, जिस मकसद में यह सोसायटी लेके चली सी, इस पार्क में इन्होंने अडोप्ट किया सोसायटी ने, वो सुपना अज डेढ़ दो साल बाद मैनू पूरा होंदा नज़र आ रहा है, क्योंकि असी एक जंगल के रूप के पार्क में अडोप्ट किया सी, अज तुहाडे सामने है, सारे शहर के सामने है कि वो एक जंगल नुमा पार्क बहुत सुंदर वातावरण पार्क का रूप ले चुकी है, जिदे विच ओपन शैड बन गए है, जिम बन गए है, कंटीन खुल गई है, झूले लग गए ने, ते योगा शैड बन चुके ने, तुहाडे सामने लाइव म्यूजिक सिस्टम लग रहा है। ये आने वाले समय के होर इत्थे डिवेलपमेंट होनी है, समाणा शहर के लोगों को बहुत फायदा होना है। मैं शहर के सारे लोगों को अपील करदा कि सवेरे शाम इस पार्क के आओ, सैर करो, शुद्ध वातावरण का फायदा उठाओ और तंदुरुस्त रहो। मैन बाल सिंह गर्ग के साथ पुरुषोत्तम को सिख समाणा।